आ गया भाई। मैं बहुत इमोशनल हो रही हूँ, बताए। गाइस गुड मॉर्निंग और स्वागत है आपका मेरे नए ब्लॉग में रुचि दीपक लाइफ में। और आज भी है कुछ बहुत खास दिन, वो बुग्गू के लिए है मतलब, और मेरे लिए भी तो है मतलब, छोड़ो। तो आज फर्स्ट टाइम बुग्गू मतलब हमने उसका एडमिशन कर लिया है स्कूल का, और वो आज स्कूल जाएगी मतलब वो प्ले ग्रुप में अभी डाला है हमने उसको, मतलब वो अभी 2.5 साल की हो चुकी है पूरी, तो उसको हमने प्ले ग्रुप में डाला हुआ है। तो अभी तो सो रही है वो, 8:30 हो रही है, तो बगल में ही है स्कूल, तो देखते हैं वहाँ पे 9:30 बजे तक ही बच्चे जाते हैं, तो अभी तो सोई है वो। और मुझे तो बहुत ही मतलब इमोशनल वाली फीलिंग आ रही है। ये है उसका कार्ड, मतलब जी ये मिला हुआ है उसको सर्टिफिकेट। तो इसको मतलब जब मैंने इसमें नाम वाम पढ़ा तो मतलब एक होता है ना कि यार मतलब कभी हम भी थे बच्चे, माँ पापा को बहुत परेशान करते थे, और आज देखो आज हमारी वही बारी आ रही है कि हमें बच्चे का एडमिशन कर दिया है, और आज उसको फर्स्ट डे स्कूल है उसका। तो और अभी वो सोई है, अभी उठाऊंगी उसको, अभी मैंने उसके लिए रस भी खा दिया है दूध में, तो रस खिला के जाऊँगी। और समझ नहीं आ रहा मुझे टिफिन में मैं उसको क्या दूँ, सोई अभी बस तो के और मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा है गाइस मैं उसको टिफ़िन में क्या दूँ, क्योंकि रोटी वो चबाती नहीं है, मतलब ऐसे ऐसे खाती है बिल्कुल जैसे कि सीधे घूट देती है, तो मुझे समझ नहीं आ रहा है बिल्कुल भी। तो मैं अभी फ़िलहाल उसको बिस्किट्स दूँगी, क्योंकि शायद वो इतना रखेंगे नहीं अभी स्टार्टिंग में ना स्कूल में, कम रखेंगे मतलब ऐसे रखेंगे शायद 2-2.5 घंटे जितना भी है। पर मुझे तो यार मैं तो इमोशनल भी हो रही हूँ, मैं मतलब फ़र्स्ट टाइम मैं अपने इसको अपने से इतना दूर रखूँगी, मतलब है तो सामने स्कूल तो बिल्कुल वहीं पे है, तो मतलब ऐसे लग रहा है कि यार मतलब ये डर भी लग रहा है कि ये बहुत शरारती है यार, बहुत शरारती है, तो मुझे ये भी डर लग रहा है कहीं ये मारे ना किसी को, मतलब पीटे ना, मतलब पीटे ना, और चलो कोई ऐसा बंदा ना टकरा गया, या बंदी ऐसी मतलब ऐसी छोटी बच्ची ना टकरा गई जो इसको ही उल्टा पटाखा पटका दे, तो मुझे वही डर लग रहा है कि ना ये किसी को मारे ना ये किसी की मार खाए। तो मेरे दिमाग में बहुत सारी चीज़ें घूम रही है, तो पता नहीं क्या होगा, मुझे तो बहुत ही वो लग रहा है, मतलब हमारा मतलब कैसे होता है यार टाइम ना क्या बोल रहा है यार, ये बुक्कू का है सब कुछ इसमें। तो ये है गाइस इसका सर्टिफिकेट जो अंदर लिखा हुआ है, डेट बर्थ वगैरह सब कुछ इंफॉर्मेशन है इसमें, और ये है रसीद। ये देखो यार, और ड्रेस के भी, ये ड्रेस फिलहाल हम लेंगे नहीं क्योंकि 2-3 महीने की बात है, बाद में देखेंगे। अब ये बिना ड्रेस मतलब वैसे जाएगी, विदाउट यूनिफॉर्म जाएगी, तो ऑफवर्ड स्कूल है ये। तो चलो यार इमोशनल हो रही हूँ मैं बहुत ज़्यादा, पता नहीं क्यों। सोई है ये देखना मस्त, अब इसको आदत डलवानी है टाइम पे उठाने की। बुग्गू उठ जाओ, तो भुगा सिया बच्चू आज स्कूल जाना है मेरी सोनू ने, आज मेरी बुच्चलू का पहला दिन है, सोनू स्कूल जाएगा, स्कूल नहीं जाएगा, जाएगा स्कूल, वहाँ तो इतने सारे फ्रेंड्स मिलेंगे आपको, और टीचर भी मिलेगी है ना। उठ जाओ मोशोना, उठ जाओ उठ जाओ उठ जाओ, उठ ही नहीं दिया नहीं। दूध तो चाहिए, उठ तो जा पहले, और तू उसे रस खाएगा, मैंने रस से दूध भी खाया है, स्कूल जाना है आपको, स्कूल क्यों, अच्छा ठीक है दूध पीना है, दूध पीना है, दूध से क्या होगा यार इसको, थोड़ा मैंने रस भी खा रखा था वो पी लेती थी, खा लेती थी उनको आराम से, आराम से बोले शोनू चल स्कूल चले हम, चलो बोलो गुड्डू है कहाँ पे बैठे हैं, तो पहले तेल फ्रेश कर लूँ यहाँ पे, ओके ओके एक मिनट। हेलो गाइस, तो बुग्गू प्रॉपर अपनी फॉर्म में आ चुकी है, तो मुझे डर लग रहा था पता नहीं उठती कि नहीं उठती, ये टेडी भी है
क्यूटू क्यूटू सा जो मुझे गिफ्ट मिला है, अभी वो टूट जाएगा शुन, और अब मैं बुगो को फटाफट से ये खिला देती हूँ, बाकी आगे का कार्यक्रम होता रहेगा। अरे शुन क्योंकि 9 बजने वाली है, मुझे कुछ तो यार मुझे बहुत बुरा लग रहा है, बुरा मतलब अच्छी फीलिंग भी आ रही है, पता नहीं क्या हो रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा है। हो गया हमारा सी है तैयार हो गया है। अरे लेट गई थी पता है, अभी तक सो गई थी। तो यहाँ पे मैंने बुगू का टिफिन रख दिया है, पता नहीं क्या ही करेगी भगवान जाने। खोलना भी आ नहीं रहा है बुगू का भी ढंग से। वहाँ पे टीचर को वो उनको बोलना ठीक है सुनो, अभी नहीं स्कूल में खोलना, तो बच्चे आ गए स्कूल, बच्चे आ गए स्कूल सुनो, अभी नहीं अभी खाना है। ये देखो गाइस स्कूल जाने की बजाय यहाँ पे बिस्किट खा रही है। चल दादी मैं दादी से बच्चों छोटा सा खाना देने, उसने बहुत 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 दिला दिया। ओ उसको वो याद है बर्थडे वाला है। फिर आपने क्या करा? सबको मिलाया? ये अजय तो करा ही नहीं आपने शुरू, प्रणाम तो करा ही नहीं माता रानी को। अरे इनको क्लिप नहीं करते वहाँ यूज बेटा स्कूल में। अच्छा पहले जय करो भगवान जी को। चल बच्ची चलो पहले भगवान जी को जय करेंगे। ऐसे मत कर लेट हो रही है। चलो 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 भाई जय करेंगे वहाँ पे। ये बाप रे माता रानी को देखो, जय कर दो सुनो प्रणाम करो, बोलो माता रानी मुझे अच्छी बुद्धि देना। क्या क्या मांगा आपने सुनो? ऊपर भी करो प्रणाम, ऊपर करो प्रणाम। क्या बोल रही है भगवान जी, मुझे ना प्रसाद दे दो, बुद्धि भी दे दो, जो मेरे टॉय नहीं थे जो खो गए वो भी दे दो। जय हो माँ बोले। चलो जी बुगो ने हाथ भी जोड़ दिया। चलो सुनो आ जाओ बाहर, मम्मा शूज पहनाएगी। चलो बुगो। चलो भाई अरे यहाँ पे भी करो। चलो भाई शूज पहनेगा भी लगूगा। चलो गिनना नहीं सुनो आराम से। चलो बुग्गू तो फाइनली तैयार हो चुका है। हाँ ये बैग है बुग्गू का, और मैं हो रही हूँ बहुत ज़्यादा इमोशनल यार, पता नहीं क्यों छी मैं तो अजीब सी हूँ यार। क्यों होती हूँ गाड़ी में नहीं जाना है, वो स्कूल सुनो वो देखो बगल में। चलो चलो मेरे को बोली मम्मा अभी आओगे अंदर स्कूल के, यार पता नहीं मुझे बहुत ही अजीब हो रहा है। ओ मैं बैग मम्मा लेके जाएगी सुन, आप खुद ही पहन के जाएगी, तुम साथ प्रैक्टिस कर रही हो पहन के अंदर। चलो बुगू बुगू सदानी मत करना ठीक है। ये स्कूल कोई आया भी बुगु बाय बाय बच्चा। तो गाइज मैं बहुत इमोशनल हो रही हूँ पता नहीं। कल
रोग आ गया भाई। बच्चे तो रोते हैं नहीं स्कूल जाने में छोटे छोटे, और ये देख माओ का हाल देख। हमारे टाइम में तो हमारी मम्मी मार मार के स्कूल भेजती थी हमें, हम ही रोते थे। अब उल्टा समय आ गया, बच्चे तो खुशी खुशी जा रहे हैं और माए रो रही है। कलयुग आ गया भाई, सच में आ गया, घोर कलयुग है। मतलब गाइस मुझे पता है आप बोल रहे होंगे क्यों रो रही है फालतू, लेकिन ऐसा नहीं है। मतलब हाँ होता है, पता है कि स्कूल जाना है, पता है कल बड़ी हुई, पर ऐसा है मुझे पहले मैं बोल रही थी इनको कि एक है थोड़ी दूर स्कूल तो वहाँ रख दो, थोड़ी दूर है यहाँ से, तो मुझे ये नहीं था पता कि हाँ मतलब मुझे इतना वो हो जाएगा, मैं इतनी इमोशनल हो जाऊँगी। लेकिन लेकिन ठीक हुआ, यहीं पे स्कूल है और हमने उसको यहीं पे रख दिया है फिलहाल, जब तक मतलब जिसको 4-6 महीने थोड़ा आदत पड़ जाएगी। अब मैं नहीं रुक रही हूँ, तुझे भेजता हूँ मैं वहीं स्कूल चले जा, तू भी एक बस्ता ले कर वहीं बैठ जा क्लास। अगर मैंने बीएड करा होता ना तो मैं वहीं चली जाती जहाँ मेरा बुग्गू है। और ऐसे उसके बाद फिर आगे पढ़ाई करती रहती है, हर कॉलेज स्कूल की जाती ना उसको पढ़ाने। तब तो मुझे बोलती भाग जा यहाँ से, तो बड़े बड़े हो जाते हैं बच्चे। स्कूल में तू होती ना और दूसरे स्कूल में जाती है, पढ़ती भी नहीं। तो ना आज लग रहा है मुझे ऐसा, आगे पता नहीं है, मुझे खुद को देख के भी बहुत गुस्सा आता है, मुझे बात बात पे बहुत इमोशनल हूँ यार, पता नहीं क्यों गुस्सा आता है। मतलब बहुत ज़्यादा इमोशनल हूँ यार, इतना होना नहीं चाहिए किसी को, तो मतलब अच्छी बात है। मतलब मुझे तो एकदम और भी एक्टिव हो जाना चाहिए ताकि चलो स्कूल चली गए, मैं फटाफट अपना काम निपटा देती हूँ। अब पता नहीं मुझे मुझे उसकी तरफ जैसी मैं सोच रही हूँ तो मुझे पता नहीं क्या हो रहा है। चलो ठीक है। तो गाइज ये 1.5 घंटे रही और आगे 1.5 घंटे में 4-5 बार ये रोई। ये देखो आ गई। अरे इसको वाले शूज चाहिए जो बाहर घूमने के लिए लेके जाते हैं, बहुत शैतान है यार सच में। अब बोल रहे कि एक कई बच्चे तो 1-1 महीने तक, और कई बच्चों की एक लड़का है कि उसकी मम्मी भी पूरे 3 घंटे रहती थी कि स्टार्टिंग में वहाँ पे, तो मैंने कहा 3 घंटे तो मैं नहीं दे पाऊँगी लेकिन हाँ 1 घंटे मैं रह लूँगी, या तो फिर थोड़ा आना जाना कर लूँगी बगल में ही है। तो वो आप क्यों रोए बताओ, कितनी बार रोए आप, क्यों रोए आप? और गई मैं तो ये साइकिल खेल रही थी वहाँ छोटी वाली, सीधे गेट के बाहर सीधे रोड में आ गई, यहीं से चलो अब, डरती भी नहीं है, आगे से गाड़ी आ रही है कुछ उसको बस वहाँ पे। गंदा बच्चा, ऐसे नहीं करते हैं शुरू। तो गाइज अब मैं सोच रही हूँ कि मैं क्यों रो रही थी यार परसों, समझ नहीं आ रहा है। मतलब अब ये ना रह ही नहीं रही है वहाँ, मतलब जाने के लिए खुश हो रही है लेकिन उसको वहाँ रहने के लिए कोई चाहिए, तो मैं अब सोच रही हूँ मैं क्यों इमोशनल हो रही थी इतनी ज़्यादा, ये तो रुकी नहीं रही हूँ यार। मतलब मेरे को जाना पड़ रहा है, इसके दादाजी आए थे उनको रहना पड़ रहा वहाँ पे, तब ये थोड़ा रुकी वहाँ पे, फिर मैं गई, फिर मैं थोड़ा रुकी, तब जाके उतनी रुकी हमारे वापस, तो ये जोर जोर से रोने लग जा रही है। हे भगवान कैसे होगा, हे प्रभु कैसे चलेगा, कैसे चलेगा। चलो गाइस तो बाय बाय, टेक केयर, हम भी संभाल लेंगे, आप भी संभालो, सब संभालो, टेक केयर, अपना ध्यान रखना, बाय 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 बाय। तो था ना लथिन दे ओ था मान लथिन दे ना।